तो हेलो मेरे लोग, आ चुके हैं मैंने एक नए वीडियो के साथ। आज ग्राहक एक मेरे पास एक फ़ोन लेके आया है जो कि डिस्प्ले जियो का है, F90M। ठीक है, तो इसकी डिस्प्ले वाइड आ रही है। ठीक है, इसमें दो तीन जगह रिपेयर भी करा चुका है, बट इसकी डिस्प्ले का सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, तो आज अपन इसको रिपेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आया। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप आपको समझाएँगे। ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले पूरी तरह से वाइट है, डिस्प्ले चेंज भी करा चुका है बट सेम प्रॉब्लम है। अब इसको अपन रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। जियो का मॉडल नंबर है F90M। ठीक है, इसको मैं पहले से इसे ऑलरेडी मतलब खोल चुका हूँ, फटाफट से इसे खोल लेते हैं। चलो वीडियो को पूरा देखना आपको, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये शायद फिर से वाटर डैमेज है, रिपेयरिंग भी कर चुके हैं, लेकिन पीछे का बैक पैनल भी निकाला हुआ है। ठीक है, ये डिस्प्ले भी शायद चेंज की कर जा चुकी है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। डिस्प्ले तो ओरिजिनल लग रही है बट फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, डिस्प्ले को ओपन कर लेना। ठीक है, डिस्प्ले को ओपन कर लेते हैं जल्दी से। मतलब जो लोग भी देख रहे हैं यार, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से होगा क्या, अब जब भी हम ऐसी वीडियो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद भी आपको मतलब ये डिस्प्ले फॉल्ट का सोल्यूशन आपको नहीं मिला होगा, तो सोचा ये वीडियो बना देते हैं जो कि आपको मतलब बहुत इससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, फटाफट से डिस्प्ले को रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट एक एक पीने आपको चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर की सहायता से। ठीक है, अब फटाफट से मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक एक ट्रैक। कहीं एक आध भी ट्रैक अगर मिस हो गया तो डिस्प्ले वाइट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कई जियो के फ़ोन ऐसे आए जो वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम आती है, बट जियो के ऑल फोन सारे फ़ोन वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम 100% सोल्यूशन हो जाता है। अभी तक मेरे पास जितने भी फ़ोन आए हैं सारे फ़ोन मैंने वाइट डिस्प्ले वाले फ़ोनों को रिपेयर कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। अगर बीच में आप स्किप करोगे या तो फिर स्किप कर करके देखोगे तो आप मतलब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है आपको। ठीक है, मल्टीमीटर के साथ मैं आपको सारी पिने टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रेड वाली पिन को आपको ग्राउंड कर देना कहीं भी। इस पर देखें, ग्राउंड आ गया, वैल्यू आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है। ये देखो, ये वाली पिन पे नहीं आ रही। कई बार अक्सर मैंने नोट किया है जियो के फ़ोन में इस वाली प्रिंट पे आती है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, इस पर भी है, इस पर भी है। सिर्फ एक प्रिंट यहाँ पे मिस हो रही है। ठीक है, कई बार मैंने जियो के फ़ोन में देखा अक्सर ये वाली प्रिंट पे थोड़ी सी वैल्यू जो ये मिस हो रही है ना, इस पर वैल्यू मतलब कुछ आती है, 1200 से 1300 के आसपास वैल्यू आती है, बट फिर भी आपकी डिस्प्ले इस पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर भी आपको क्या करना है, मैं एक जंपर लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पहले से ट्रेस करके रखा हुआ, मुझे पहले से पता है कि कहाँ से ये शॉर्ट होता है, फॉल्ट। ये देख लें, यहाँ पर वाटर डैमेज है, ये फ़ोन पहले से रिपेयर किया हुआ है बट हुआ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा रजिस्टर है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे साइड में शो कर दूँगा। ठीक है, ये फ़ोटो जो साइड में शो हो रहा है आप इस पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर जो है कि गला हुआ था जहाँ मैंने जंपर कर दिया। आपको यहाँ पे एक जंपर कर देना। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर जंपर लगा देते हैं, उस रजिस्टर को निकाल के, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। कई बार जियो में लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी यहीं से आती है कि रजिस्टर लगा होता है वहीं डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लाइट भी इसी वजह से होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस उसको कीपैड वाले लाइट से उठा के डिस्प्ले देते हैं, तो उसकी वजह से होता है क्या, आपको डिस्प्ले पे लाइट कम मिलता है। ठीक है, तो अपन फटाफट से जंपर कर लेते हैं। आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से बट मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ मैंने जंपर किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। आपको सबसे पहले इसे चेक कर लेना। ठीक है, इसे जंपर कर देते हैं, बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसे कट कर देते हैं, जंपर कर दिया आपने, आपको नहीं दिखाई देगा बट आपको फ़ोटो में सब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैंने कहाँ जंपर किया है। ठीक है, आसान सा तरीका है, बिल्कुल इसे निकल नहीं रहा है, इसे रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल रजिस्टर को रिमूव ही कर दिया है मैंने। अब इसे
क्लीन कर लेते हैं, एकदम क्लीन कर लेंगे तो अच्छा सा जंपर लग जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा रजिस्टर है यहाँ, बहुत छोटा सा रजिस्टर है, ऐसे देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ख़राब है, ठीक है। बट उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब देखना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, अगर बीच में स्किप करोगे तो बिल्कुल भी भाई लोग समझ में नहीं आएगा। अब इसे फटाफट से जंपर कर देते हैं, ठीक है। मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी फेक वीडियो भी मिल जाती हैं, बट अपन जो भी वीडियो डालेंगे 100% रियल डालेंगे। वीडियो को ना तो काट पीट के डालेंगे, जो वीडियो होगा आपके सामने पूरा वीडियो होगा, ठीक है। मैं इसे जंपर कर दे रहा हूँ फटाफट से। अपना जंपर हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो में देख सकते हैं कहाँ मैंने जंपर किया है। आपको ये स्टेप फॉलो करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी ट्रैक आपको मिस ना मिले तो सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले चेंज कर लेना है। अगर डिस्प्ले चेंज करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती होती हो तो एक बार उसे सॉफ्टवेयर ज़रूर फ्लैश कर देना, ठीक है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले चेंज करना है, उसके बाद सारी पिनों को डिस्प्ले को रिमूव करके चेक करना है। अगर सारी पिनें परफेक्ट हैं और फिर भी आपकी डिस्प्ले अगर वाइट आ रही है तो आपको सॉफ्टवेयर फ्लैश करना होता है, ठीक है। उसके बाद 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अपन ने जंपर कर दिया, अब इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करके बताते हैं, ठीक है, वैल्यू उस ट्रैक पे आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होता है, सबको पता ही होगा, ये तो पता ही होगा सभी को। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे अभी 357 के आसपास, 357-400 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मतलब कई बार ये होता है कि वो रजिस्टर अगर थोड़ा सा भी डैमेज होगा ना तब भी यहाँ पे आपको वैल्यू तो मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, 1200 से 1400 के आसपास ये वैल्यू मिलेगी, तब भी आपकी डिस्प्ले वर्क नहीं करेगी, तब भी डिस्प्ले आपकी वाइट आएगी, ठीक है। अब मैं वही डिस्प्ले को देख सकते हैं, ड्रैश होल्डिंग है, बट इसे अच्छे से लगा देता हूँ मैं, ठीक है। देखना 100% डिस्प्ले आ जाएगी इस बार। दो तीन मतलब टेक्निकल के पास ये होके आया है फ़ोन, बट हुआ नहीं है उन लोगों से। अभी अपन इसे ठीक कर देते हैं, ठीक है। इसे फटाफट से फिर से लगा देते हैं, वही डिस्प्ले है, कोई न्यू डिस्प्ले नहीं लगाया है। आप फोटो में देख सकते हो मैंने कहाँ कैसे जंपर किया हुआ है, ठीक है। इसे फटाफट से अच्छे से लगा देते हैं, इसके बाद आपको फिट करके दिखाएंगे, ठीक है। भाई लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मेरा इस चैनल पे ये सेकंड वीडियो ही है बस, मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाता हूँ। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे हुए हैं, अपन वही वीडियो बनाते हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे आपकी 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस ऐसे ही वीडियो बनाते हैं अपन। देख सकते हैं मैं वीडियो आपको, फ़ोन को ओपन करते हैं, स्टार्ट करें, देख सकते हैं मतलब डिस्प्ले 100% आ चुकी है, देख सकते हैं। फटाफट से भाई लोग इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो फटाफट से फ़ोन को, आप भी इस प्रकार से अपने फ़ोन को रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।